फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपिटल मार्केट और सेबी का पार्ट टू। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो 30 मिनट्स का हो चुका था, इसलिए मैंने वो वीडियो को डिसकंटिन्यू किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने सब पढ़ाई किया, अब हम लोग देखेंगे डेट के बारे में एंड थोड़े से टॉपिक है जैसे सिक्योरिटी रिसीट क्या होता है वो देखेंगे। सिक्योरिटी रिसीट मीन्स रिसिप्ट और अदर सिक्योरिटीज़ इशूड बाई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पर्सुएंट टू अ स्कीम इविडेंसिंग परचेज ऑफ द एक्विजिशन बाई द होल्डर देयर ऑफ। अभी सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, मोस्टली डील करती है एनपीए रिलेटेड जो भी असेट होते हैं उससे डील करती है। तो जब भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एनपीए को जब भी परचेज करती है तो उसके बदले में सिक्योरिटी रिसीट एक इशू करती है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दिस इज़ द एश्योरिटी कि उसने एनपीए को परचेज किया है, एनपीए असेट को परचेज किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटी रिसीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिस इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में मनी मार्केट में हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करेंगे रिविजन के लिए। दीज आर द सोवरेन क्रेडिट रिस्क फ्री कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक बॉन्ड होता है इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। ये इशू क्यों करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू इसलिए करती है ताकि फिजिकल डेफिसिट अगर कुछ रहता है, जैसे कि जब भी गवर्नमेंट के व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ लोअर दैन दैट ऑफ द एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू उसके कम होते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस इज़ ग्रेटर दैन रेवेन्यू, इस केस में फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, उसको फिजिकल डेफिसिट को पूरी तरह से पे ऑफ करने के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इशू तो करती है, बट उसके बायर कौन होते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बायर जो होते हैं बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, पेंशन फंड हो सकता है, प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं, ये सब जो है उसके बायर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक टर्म आता है SGL सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। ये क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डील होती है जो आरबीआई ही डील करती है और बायर्स जो है उसको परचेज करते हैं, तो एक सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट आरबीआई के पास ओपन किया जाता है, जिसके थ्रू जो है आरबीआई एज एजेंट काम करती है और सारे सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट रेज कर रही है उसके ट्रांजेक्शन जो है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में होती है। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है इसका एक कूपन रेट होता है, कूपन रेट इज़ जस्ट लाइक द इंटरेस्ट रेट। जो भी सिक्योरिटी इशू करती है उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। और ये सिक्योरिटी जो होता है कहाँ पे ट्रेड होता है, मार्केट में, जैसे प्राइमरी मार्केट में भी होता है और सेकेंडरी मार्केट में भी होता है। प्राइमरी मार्केट के केस में हम लोग देख लेते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में जो होता है ऑक्शन होता है, ऑक्शन के रूप में होता है। इसमें सिक्योरिटीज़ की बीडिंग होती है, बीडिंग जो है वो 1 से 30 साल के लिए होता है, 1 ईयर्स टू 30 ईयर्स के लिए होता है। और सेकेंडरी मार्केट में जो होता है 2 टाइप से होता है, एक तो टेलीफोनिक होता है, टेलीफोनिक तरीके से ब्रोकर्स जो है उसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसकी डीलिंग होती है, और दूसरा होता है NDSOM जो होता है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। इसमें कुछ मेंबरशिप कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डीलिंग करती है। अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। रिस्क फ्री होता है, मतलब लेस रिस्की होता है, रिस्क फ्री तो नहीं होता बट लेस रिस्की होता है। एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड करती है आरबीआई कि ये इंटरेस्ट रेट पे आपको ये बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होगा, तो इसमें रिस्क लो होता है। और इसकी एग्जीक्यूशन जो होती है, इसकी गारंटी जो होती है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसकी मेंटेन करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जो है 1 से 30 साल के लिए ऑक्शन होता है, इसकी बिडिंग जो होती है वो CCI के थ्रू होती है, प्लस RBI टोटली इसके परचेज एंड सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
उसके बाद एक टर्म है डिवेंचर। यहाँ पे देखिए डिवेंचर एक टर्म है। डिवेंचर होता क्या है? डिवेंचर को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंड अरेंज करने के तरीके क्या क्या होते हैं। जब भी किसी कंपनी को, गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड रेज करना होता है तो मार्केट में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग कर ले और दूसरा होता है डेब्ट फाइनेंसिंग कर ले। फिर इक्विटी फाइनेंसिंग के केस में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इसके केस में सपोज कंपनी 10 करोड़ की उसकी कंपनी की कैपिटल है तो उसमें वो चाहता है कि 10% शेयर मैं अपना बेच देता हूँ पब्लिक को, और प्लस जो भी उससे पैसे आते हैं वो अपनी कंपनी में मैं कंपनी में उसको कैपिटल रेज करके और जो भी है इन्वेस्टमेंट को कैपिटल रेज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। और दूसरा जो होता है एक डेट फाइनेंसिंग, इसमें इक्विटी फाइनेंसिंग में टोटली रिस्क कैपिटल होता है जिसके अंदर कंपनी अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर देती है। सपोज़ 10 करोड़ है, 10% करना चाहती है तो 1 करोड़ वो डाइल्यूट करेगी अपनी शेयर, और जो भी इंडिविजुअल रिटेल या फाइनेंशियल जो भी है वो सब उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट एक डेट फाइनेंसिंग होती है जिसमें क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन डेट फाइनेंसिंग में कंपनी अपनी शेयर बेचना नहीं चाहती है, अपना शेयर नहीं बेचना चाहती है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इस केस में बैंक लोन ले सकती है, बैंकों से लोन ले सकती है। प्लस इन केस बैंकों से लोन नहीं लेना चाहती है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि बॉन्ड और डिवेंचर इशू कर देती है। यहाँ कंपनी पब्लिक से लोन ले लेती है। अगर कंपनी बैंकों से लोन लेना नहीं चाहती है तो अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहती है तो उस केस में बॉन्ड एंड डिवेंचर इशू करती है। तो बॉन्ड एंड डिवेंचर जो होता है टोटली कंपनी जो है पब्लिक से लोन ले लेती है। तो यहाँ पे कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है कि ये 8% या 10% डिपेंड अपॉन द कंपनी की क्या कैपेसिटी है, प्लस डिपेंड अपॉन द मार्केट की किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पब्लिक वो बॉन्ड खरीदना चाहेगी और वो फंड को रेज कर सकता है। तो ये एक तरीका होता है बॉन्ड और डिवेंचर। मोस्टली कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मैं वो बता देती हूँ। डिवेंचर और बॉन्ड मोस्टली सेम होता है, सिमिलैरिटीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं। बोथ आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टूल, ये तो पता है कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए जो भी फाइनेंस होती है वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि अप टू 1 ईयर के लिए मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है मोर देन 1 ईयर के लिए। तो सिमिलैरिटीज़ के केस में दोनों जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टूल होता है। और सेकेंड हम लोग देख लेंगे कि ये लोन फ्रॉम पब्लिक होता है और कंपनी फिक्स इंटरेस्ट प्लस फिक्स टाइम पीरियड के लिए कंपनी जो है एक फिक्स इंटरेस्ट देती है, सपोज कि 8% देती है फॉर द 5 ईयर्स। तो एक टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है, डिसाइड बाय द कंपनी कि दिस विल बी द फिक्स टाइम एंड दिस विल बी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे ये इशू करती है। थर्ड हो जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है एनुअली भी होता है, कुमुलेटिव भी होता है। कोई बोलेगा कि मुझे एनुअली 5 ईयर का है तो पर ईयर मुझे इंटरेस्ट पे कर दीजिए। कोई सेलेक्ट करेगा कि एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन इंटरेस्ट क्रेडिट चाहिए, तो दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज हमने देखा, तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंसेस इसके क्या क्या होते हैं डिवेंचर एंड बॉन्ड के। बिफोर गोइंग विद द डिफरेंसेस एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डिवेंचर के। डिवेंचर आर बॉन्ड्स इशूड बाई अ कंपनी बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजअली पेएबल हाफ ईयरली। मोस्टली हाफ ईयरली पे होता है, एक साल में 2 बार पे होता है, 1 ईयर में 2 टाइम्स पे होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये एक तरह का बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब कि जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, जब भी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है इसका मतलब ये बॉन्ड कहलाता है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये इशू होता है। ऑन ए स्पेसिफिक डेट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट रिपेएबल ऑन द पर्टिकुलर डेट ऑन द रिडीम्शन। और जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो फेस वैल्यू होता है वो रिडीम्शन के टाइम में, एट द लास्ट में रिडीम्शन के टाइम में वो पे होता है, वो पब्लिक को जो भी बॉन्ड होल्डर होते हैं जिन्होंने खरीदा है उनको पे किया जाता है। यहाँ पे जो ये भी मेंशन है कि डिवेंचर आर नॉर्मली सिक्योर्ड चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ डिवेंचर होल्डर। अभी सिक्योर का मतलब क्या होता है? अभी जब भी बैंक के केस में, एक सिंपल एग्जांपल से आप देख लीजिए कि होम लोन जो होता है वो सिक्योर लोन के केस में आता है, कि जब भी कोई पब्लिक लोन लेती है एज अ होम लोन लेती है बैंक से, तो बैंक जो है
उसके घर को एज अ कोलेटरल रख लेती है कि इन केस वो पब्लिक, वो जो भी कस्टमर है वो लोन चुका नहीं पाता है, तो उसका घर को बेच के ऑक्शन करके और उससे लोन को का रीपेमेंट हो जाएगा. तो डिबेंचर आर नॉर्मली द सिक्योर्ड चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी. तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सपोज कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, उस केस में उसके असेट को परचेज सेल करके और जो भी पैसे आते हैं उससे ये डिवेंचर होल्डर को पे किया जाएगा. इसीलिए इसमें सिक्योरिटी रहता है, सिक्योर चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी. तो डिवेंचर के केस में क्या होता है, सिक्योर्ड होता है. अब बॉन्ड देख लेते हैं, बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड, अ बॉन्ड इज अ निगोशिएबल सर्टिफिकेट. बॉन्ड एक निगोशिएबल सर्टिफिकेट, इविडेंसी इंडेपनेस, ये इंडेपनेस को शो करती है. इट इज़ नॉर्मली इन अनसिक्योर्ड. यहाँ पे देखिए डिवेंचर जो है सिक्योर बता रहा है और बॉन्ड जो है अनसिक्योर बता रहा है. अनसिक्योर्ड का हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे कि जो भी बैंक है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, तो पर्सनल लोन जब भी बैंक देती है उस केस में कुछ कोलेटरल नहीं रखा जाता है, वो ये तो अनसिक्योर्ड हो जाता है. इन केस वो पर्सन जो है जिसने लोन लिया है वो चुका नहीं पाता है, तो कंपनी के पास, बैंक के पास कुछ उसकी सिक्योरिटीज़ नहीं रहती है, तो वो लोन एनपीए हो जाता है, तो अनसिक्योर्ड हो जाता है ये. अब बॉन्ड डेथ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जनरली इशूड बाई अ कंपनी, म्यूनसिपालिटी और गवर्नमेंट एजेंसी. यहाँ पे ये मेंशन है कि बॉन्ड कौन कौन इशू कर सकता है. कंपनी इशू कर सकती है, म्यूनसिपालिटी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकती है. अब बॉन्ड इन्वेस्टर लेंड मनी टू द इशूअर एंड इन एक्सचेंज द इशूअर प्रोमिसेस टू रिपे द लोन अमाउंट ऑन द स्पेसिफाइड मेच्योरिटी डेट. बॉन्ड के केस में वही बताया कि पब्लिक से लोन लेती है, बॉन्ड इशू करके जब रेज करती है मनी, कोई भी कंपनी मनी रेज करती है तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक फिक्स टाइम मैच्योरिटी देती है कि इस जो उसका लोन का इंटरेस्ट है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एनुअली या सेमी एनुअली पेमेंट हो जाएगा उसका इंटरेस्ट, प्लस रिडिम्शन जो होगा फेस वैल्यू का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा. अब कितने तरह के बॉन्ड होते हैं वो देख लेते हैं. बिफोर गोइंग विद द टाइप्स ऑफ बॉन्ड वी आर जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंड डिवेंचर. बॉन्ड और डिवेंचर के केस में डिफरेंस ये हो जाता है कि बॉन्ड जो होता है लेस रिस्की होता है एंड डिवेंचर मोर रिस्की होता है. बॉन्ड के केस में लेस इंटरेस्ट रेट होता है और डिवेंचर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ज़्यादा होता है. बॉन्ड के केस में कम होता है और डिवेंचर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. तो ये जो होता है डिफरेंस हो गया. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहला कूपन बॉन्ड है. दीज आर नॉर्मल बॉन्ड ऑन विच इशूअर पेज द इन्वेस्टर होल्डर इंटरेस्ट एट द प्री डिटरमाइंड रेट. ये सिंपल एक डेफिनेशन हो गया बॉन्ड का कि कूपन बॉन्ड एक तरह का नॉर्मल बॉन्ड होता है जिसपे जो इशूअर है, जो कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी है, ये जो भी इशू करती है वो इन्वेस्टर को या होल्डर को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है. उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्री करती है कि इस टाइम इंटरवल पे आपका ट्वाइस अ ईयर, नॉर्मली ट्वाइस अ ईयर होता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज नोन बाई द पीरियड फॉर विच इट इज़ इशूड. इसकी जो मैच्योरिटी है वो पीरियड पे डिसाइड होता है. सपोज 5 साल के लिए इशू हुआ है तो 5 ईयर्स विल बी द मैच्योरिटी पीरियड. इन द सेकेंडरी मार्केट सिंस द इंटरेस्ट इनकम इज फिक्स्ड टू द फेस वैल्यू दिस बॉन्ड्स आर ट्रेडेड इल टू मैच्योरिटी बेस्ड ऑन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उस यील्ड मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इसका जो है मैच्योरिटी वैल्यू पे ही ये मोस्टली बॉन्ड जो है इशू किया जाता है. सेकेंड हो गया जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है. जीरो कूपन बॉन्ड ये नाम ही सजेस्ट करता है कि दिस इज इशूड विद द डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि जीरो कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है. सपोज जीरो कूपन बॉन्ड का एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि 100 रुपये का बॉन्ड है और कंपनी जो है अभी 80 रुपीज़ में इशू कर रही है, तो 20 रुपये का है जो कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता है. एट द टाइम ऑफ रिडिम्शन, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो पूरे की पूरी फेस वैल्यू जो 100 रुपीज़ है वो पे करेगी. इसका मतलब कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू हुआ है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट विल बी पेड द
फेस वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है वही पे किया जाएगा। उसके बाद है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड देख लेते हैं। अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स कन्वर्जन प्राइस रेफर टू कन्वर्टिबल। जब भी एक बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्टिबल बॉन्ड करते बोलते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है तीनों में। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कमर्शियल पेपर होता क्या है, यहाँ पर मेंशन है, कमर्शियल पेपर आर बोरोइंग्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द मार्केट, दे टेक द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस टू रीपे फिक्स अमाउंट। अभी चलिए इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं कि कमर्शियल पेपर होता क्या है। सबसे पहला तो ये है कि कमर्शियल पेपर 90 डेज के लिए मिनिमम इशू किया जाता है और यह मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मनी मार्केट का, नॉट द कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करती है। जब भी उसके शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो एक कमर्शियल पेपर के रूप में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कमर्शियल पेपर इशू करती है और उससे वो फंड रेज करती है। इसके एडवांटेजेस जो होते हैं जैसे कि यह एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मीनिंग मैंने बताया जैसे पर्सनल लोन का एग्जांपल दिया, तो अनसिक्योर्ड क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी जो होता है, विदाउट कोलेटरल जो होता है ये इशू होती है एज अ प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जिसके जैसे कि रेपुटेड कंपनी है जिसके नाम से ही उसको पैसे मिल सकती है, तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती है एज अ प्रॉमिसरी नोट, कि ये एक सिंपल सा कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पे ये लिखा रहता है, ये एक प्रॉमिस किया होता है जो भी उसके होल्डर होते हैं उससे कि वी आर जस्ट इशूइंग दिस पेपर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स मैच्योरिटी अमाउंट रहता है कि इतने अमाउंट जो है आपको पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडिम्पशन। तो जनरली डिस्काउंट में इशू होता है और डिस्काउंट एट पार होता है, सेम बोल सकते हैं इसकी तरह जीरो कूपन बॉन्ड की तरह कि डिस्काउंट में इशू होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रेजरी बिल क्या होता है, जिसको टी बिल भी बोलते हैं, और वेरी फर्स्ट चैप्टर में हमने ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल भी पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल होता क्या है। एक्चुअली ट्रेजरी बिल जो होता है मोस्टली 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए इशू होता है। यह एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसे अरेंज करती है अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए जो है ट्रेजरी बिल इशू करती है। एंड ये इशूड बाई RBI होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेंशन है दीज आर शॉर्ट टर्म अप टू 91 डेज होता है, 182 डेज होता है एंड 364 डेज। जैसे ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म का होता है और ये अप टू 1 ईयर के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दीज आर द शॉर्ट टर्म बियर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाई द गवर्नमेंट थ्रू RBI एज अ मीन्स ऑफ मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट। जब भी उसको शॉर्ट टर्म की गोल को पूरा करना होता है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रेजरी बिल ये इशू करती है। जैसे कि बताया जीरो कूपन बॉन्ड, नो इंटरेस्ट रहता है बट डिस्काउंटेड रहता है और रिस्क भी नहीं रहता है इसमें, ट्रेजरी बिल में रिस्क भी नहीं होता, तो बिकॉज ये इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है तो फुली सिक्योर होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाई सेबी फॉर कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज। कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के लिए क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो सेबी ने स्पेसिफाई किया है उसके बारे में देखेंगे। ऑल सिक्योरिटीज इशूड बाई अ पब्लिक इशू मस्ट बी लिस्टेड इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई सिक्योरिटीज इशू होती है तो एक और एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। द इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी हैविंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 365 डेज बाई कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर गेटिंग दिस लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है सिंपली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सेबी का, एक बस गो थ्रू करना है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कॉमनली यूज टर्म्स इन कैपिटल मार्केट देख लेते हैं क्या क्या टर्म होता है कैपिटल मार्केट में। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज अ टैक्स
being levied on all the transaction done on the stock exchange at rate prescribed by the central government from time to time. यह एक ऐसा टैक्स होता है जो जब भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ऐसे टैक्स लेविड ऑन ऑल द ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी ट्रांजेक्शंस करते हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्पेसिफाई करते हैं कि दिस इज़ द रेट ऑफ टैक्स जो पे करना होगा जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए. फिर सेकेंड हो जाता है रोलिंग स्टेटमेंट. रोलिंग स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. इन अ रोलिंग स्टेटमेंट सॉरी रोलिंग सेटलमेंट. रोलिंग सेटलमेंट मोस्टली हम बोलते हैं कि शेयर्स की ट्रेडिंग हुई तो टी प्लस टू डेज में इसका जो है सेटलमेंट हो गया तो रोलिंग सेटलमेंट कहलाता है. इन अ रोलिंग सेटलमेंट ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे आर सेटल बेस्ड ऑन द नेट ऑब्लिगेशन फॉर द डे. प्रेजेंटली द ट्रेड परमिटिंग टू द रोलिंग सेटलमेंट आर सेटल ऑन अ टी प्लस टू डेज डेली बेसिस. टी प्लस टू जैसे आज मंडे है तो उसका सेटलमेंट जो है वेनसडे के हो जाएगा. जो भी हमने शेयर की परचेज और सेल की उसके सेटलमेंट जो है वो टी प्लस टू डे मंडे है तो वेनसडे को हो जाएगा. जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वेनसडे को. कंसिडरिंग टू वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रेड डे. ट्रेड डे से दो वर्किंग डेज होना चाहिए. अगर छुट्टी है तो नेक्स्ट डे विल बी द वर्किंग डे. द फंड्स एंड सिक्योरिटीज पे इन एंड पे आउट आर कैरिड आउट इन टी प्लस टू डेज. अब पे इन और पे आउट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इससे भी क्वेश्चन आ जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है ये एक आप देख लीजिएगा. पे इन और पे आउट क्या होता है. पे इन का मतलब हो जाता है अभी देखिए कभी भी कोई भी शेयर की ट्रेडिंग होती है तो उसमें कुछ ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं. क्लियरिंग एजेंसी होती है. क्लियरिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी होती है जैसे कि दो टाइप्स होते हैं एक बायर होते हैं और एक शेयर होते हैं और बीच में क्लियरिंग एजेंसी के पास जो होता है बाई और सेल होता है और एक मीडिएटर होता है ब्रोकर. तो हम लोग सिंपल वे में अगर समझ लें कि ये क्या होता है तो सपोज यहाँ पे जो है बायर है ये अपना मनी जो है ये अपना मनी से ट्रेड करना चाहता है शेयर खरीदना चाहता है तो ये क्लियरिंग हाउस के पास क्लियरिंग एजेंसी के पास अपने पैसे को दे देगा कि मुझे एक इस कंपनी के 50 शेयर खरीदने हैं. यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे ये इन्वेस्टर डायरेक्ट भी कर सकता है और ब्रोकर के थ्रू भी कर सकता है. तो क्लियरिंग एजेंसी के पास पैसे आ गए और उसके बाद जो सेलर है यहाँ पे सेलर रहेगा. सेलर जो है अपना शेयर जो है जो भी सेलर है वो अपना शेयर बेचना चाहता है कि मुझे 50 शेयर जो है अपना आज सेल करना है. तो ये भी क्लियरिंग हाउस को जो है क्लियरिंग एजेंसी को अपना ये अप्रोच करता है. तो ये हो जाता है पे इन जहाँ पे बायर अपने पैसे को क्लियरिंग एजेंसी को देता है और सेलर अपने शेयर को क्लियरिंग एजेंसी को देता है तो इसको पे इन बोलते हैं. फिर उसके बाद पे आउट क्या होता है. पे आउट यहाँ पे जो है शेयर्स जो है बायर को अलॉट हो जाता है जो भी बायर है उसको अलॉट हो जाता है और इसमें भी ब्रोकर का मीडिएटर है. फिर उसके बाद यहाँ पे मनी जो है वो सेलर के खाते में चली जाती है तो ट्रांजेक्शन इनके पास हो जाता है. ये पे आउट हो गया. जब भी शेयर्स को बेच के मनी सेलर के अकाउंट में आता है तो वो पे आउट हो जाता है और जब भी ये सेलर शेयर क्लियरिंग हाउस के पास देता है कि ये मुझे सेल करना है तो ये पे इन हो जाता है. तो ये पे इन और पे आउट का कॉन्सेप्ट हो गया. यहाँ पे आप एक देख सकते हैं डेफिनेशन. पे इन डे इज़ द डे व्हेन द ब्रोकर्स मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द एक्सचेंज. पे आउट डे इज़ द डे व्हेन द एक्सचेंज मेक पेमेंट और डिलीवरी टू द सिक्योरिटी टू द ब्रोकर. पे आउट जिस दिन एक्सचेंज ने पे कर दिया ये क्लियरिंग हाउस ने पे कर दिया इन्वेस्टर को. और पे इन द डे व्हेन द ब्रोकर मेक पेमेंट जो ब्रोकर है या इन्वेस्टर है मेक पेमेंट टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज को जब पैसे देता है तो ये हो जाता है. फिर ऑक्शन आप लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑक्शन के बारे में आप लोग को पता है कि ऑक्शन क्या होता है. फिर उसके बाद देख लेते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है. सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग इज अ स्कीम विच इनेबल लेंडिंग ऑफ आइडल सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड अर्निंग अ रिटर्न थ्रू द सेम. फॉर सिक्योरिटी बोरोइंग एंड लेंडिंग सिस्टम के थ्रू जो है सिक्योरिटी की लेंडिंग होती है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ कैपिटल इशू इन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में कितने टाइप ऑफ कैपिटल इशू क्या क्या होता है.
पहले जब भी मैंने ये चैप्टर कराया है तो उसमें बार बार IPO FPO ये सब के बारे में बताया है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू इट। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी खुद को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस समय IPO इशू करती है। देन फर्दर पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? जब भी एक बार किसी भी कंपनी का शेयर लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज में एंड उसके बाद की ट्रेडिंग होती है IPO के बाद, तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हो जाता है। राइट इशू के केस में देख लेते हैं। राइट इशू मैंने बताया, जैसे कि राइट इशू व्हेन लिस्टेड कंपनी प्रपोजेज टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्रेश सिक्योरिटी अगर बेचना चाहती है तो एक डिस्काउंटेड रेट में बेचती है अपने फंड को रेज करने के लिए। जब भी उसको एक फंड की नीड होती है, व्हेन रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय राइट इशू होता है जिससे कि वो फंड रेज कर सकती है अपने फ्रेश सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो ये राइट इशू हो जाता है। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ एन इशू ऑफ शेयर और द कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ बाई अ कंपनी टू द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को देता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये सबको सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत देता है ये, विच इज़ नीदर अ राइट इशू नॉर अ पब्लिक इशू। ये राइट इशू और पब्लिक इशू नहीं होता है। दिस इज़ द फास्टर वे फॉर कंपनी टू रेस इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को फास्टर वे में कोई भी कंपनी जब, दिस इज़ द फास्टर वे फॉर अ कंपनी टू रेस इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को फास्टर वे में रेज करने का ये तरीका होता है कंपनी के लिए, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। कैपिटल इशू करने के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या होता है, ये सिर्फ गो थ्रू करना है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। SEBI has laid down eligibility norms for entire accessing the primary market through public issue. There are no eligibility norms for a listed company that is making a right issue as it is the offer made to the existing shareholder who are expected to know their company. Eligibility norms जो है सिर्फ एक बार गो थ्रू करिए इसको, इसमें कुछ ऐसा जानने वाला नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग दे दीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है सेकेंड, हम लोग देख लेंगे। इसमें देख लेते हैं इंटरमीडियरीज इन इशू इन प्राइमरी मार्केट। इंटरमीडियरीज मर्चेंट बैंकर टू द इशू और बुक रनिंग लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर्स, रजिस्ट्रार टू द इशू, बैंकर्स टू द इशूअर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अंडरराइटर, ये सब जो हो जाते हैं प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरी हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर। बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन होता है? अ मर्चेंट बैंकर प्रोसेसिंग अ वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेबी। एक गाइडलाइन है, उसमें एलिजिबिलिटी अगर उसकी होती है तो बुक रनिंग लीड मैनेजर कहलाता है वो। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है। फिर हम लोग देख लेते हैं सेबी क्या होता है। सेबी तो मेनली हम लोग जानते हैं कि सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द सेबी एक्ट 1992 के सेबी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को इस्टेब्लिश किया 4 अप्रैल 1992 टू प्रोवाइड फॉर अ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। तो सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ? 4 अप्रैल 1992 को सेबी एस्टैब्लिश हुआ था, कॉल्ड एज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट फॉर द मैटर ऑफ कनेक्टेड देयर विद द इंसिडेंशियल देयर टू। अभी देख लीजिए, कभी भी किसी इन्वेस्टर को ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए रेगुलेटर की आवश्यकता होती है, जैसे कि मनी मार्केट का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कभी भी किसी बैंकों का कुछ प्रॉब्लम आया, लिक्विडेशन की ज़रूरत है, समथिंग जो भी इश्यूज होते हैं, तो दे कैन इन्वेस्टर कैन अप्रोच टू द डिपोजिटर कैन अप्रोच टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इसके केस में जब भी ट्रेडिंग होती थी, शेयर्स की खरीद बिक्री होती थी, वहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 अप्रैल 1992 को सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जो कि टोटली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द
फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, फंक्शंस ऑफ द ये सेबी का फंक्शंस क्या होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये सिर्फ एक गो थ्रू करने की ज़रूरत है। इसमें से इतना कुछ पूछेगा नहीं, इनकेस पूछा भी तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि सेबी इज़ यूज टू प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे जो कि आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो सेबी के बारे में यही सब है। फिर पावर टू इन्वेस्टिगेट, सीज एंड डेसीज प्रोसीड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सब के बारे में दिया हुआ, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। QIB क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु आर जनरली परसीव्ड टू प्रोसेस एंड एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल मसल टू द इवेल्युएट एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज। एक क्लॉज दिया है जिसके थ्रू जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं, एक क्लॉज के थ्रू उनके स्टैंडर्ड को पूरा करना पड़ता है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिफायर बायर बन जाते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग होता है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन, इसे वैसे एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ नहीं है, तो डेफिनेशन बस एक बार देख लेते हैं इसका। फिर चेक योर प्रोग्रेस, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसका। द फर्स्ट वन इज, देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए इसको एस्टेब्लिश किया था कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना उसके डेवलपमेंट के लिए, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, ये तीनों हैं, तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेबी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर हैज़ द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर 1908 वाइल ट्राइंग अ सूट। ये आंसर होगा, आप एक बार सेबी का गो थ्रू करेंगे उसका डेफिनेशन, तो ये आप उसमें एक लाइन है वो रीड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर नीड नॉट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इन ऑर्डर टू बाई सेल और डील इन सिक्योरिटीज। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर हो जाएगा, इनको सर्टिफिकेट कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है सेबी से कि मुझे खुद को रजिस्टर करना है इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं होती है, बस डिपोजिटरी में एक अकाउंट ओपन करो और अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। बट स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन लोगों को जो है सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर क्लियरली सेग्रीगेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज में द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर क्लियरली सेग्रीगेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज में जो है इसके ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन का डिटेल दिया रहता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ रेशियो टू दोज ऑलरेडी हेल्ड इज नोन एज राइट इशू या राइट शेयर होता है। अभी मैंने बताया कि न्यू सिक्योरिटीज जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी कंपनी को एक पैसे रेज करने की ज़रूरत होती है तो वो राइट इशू करती है। बोनस के केस में है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बोनस शेयर इशू करना चाहती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने इन्वेस्टर्स को, जो भी इन्वेस्टर है उनको बोनस इशू कर सकती है। प्रिफ्रेंस इशू जो होता है, प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर को राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, तो ये सब डिफरेंस हो जाते हैं। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट है, ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फॉर सेल। तो इसके केस में जो होता है इसका आंसर जो होगा, बहुत फ्रेश सिक्योरिटी करती है अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचने के लिए। एज पर सेबी गाइडलाइन इन अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस द कैप इन द प्राइस बैंड इज should not be more than 20% of the floor price. वो आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो ये भी आंसर दिया हुआ है।
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बीड फॉर सिक्योरिटी और ऑफ और फॉर अ वैल्यू नॉट मोर देन 1 लाख. 1 लाख से तक के सिक्योरिटीज़ के लिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाता है, जो 1 लाख तक के सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं. 9th नंबर क्वेश्चन हो जाता है, नाइन्थ नंबर इज एज पर सेबी गाइडलाइन सेफ्टी नेट अरेंजमेंट कैन बी मेड अवेलेबल ओनली टू ऑल ओरिजिनल रेसिडेंट इंडिविजुअल अलॉटी लिमिटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 1000 शेयर पर अलॉटी. तो ये सिर्फ एक बार गो थ्रू करेंगे तो ज़्यादा कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है. फिर रेड हेयरिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है. रेड हेयरिंग क्या होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है विच डज नॉट हैव डिटेल ऑफ इधर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर बींग ऑफर्ड और अमाउंट ऑफ द इशू, ना ही उसमें प्राइस होता है, ना ही नंबर ऑफ शेयर होता है, ना ही अमाउंट होता है, उसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th म्यूचुअल फंड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.